हे गाइज, आपको हम इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पिक्सा आर्ट है ना, एप्लीकेशन है पिक्सा आर्ट, इसमें आप फोटो एडिटिंग करते हो या थंबनेल बनाते हो तो आपको सेव करते समय आपसे ये पैसा मांग रहा है। तो इसके लिए आपको यही प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। छोटा सा वीडियो है, इसमें मैं दो ट्रिक बताऊँगा। ये पहला ट्रिक जो आपसे पैसा मांगता है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ट्रिक है यदि आपको गलोरी में मोबाइल में सेव होने में कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका हम इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं दूसरा कोई भी वीडियो बनाऊँ इसका नोटिस आप तक जाए। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं पिक्सा आर्ट, इसमें क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो आप जैसे आप टाइपिंग करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर हम टाइपिंग करते हैं RAMBABUSHA राम बाबू शाह लिखा, और इसको हम यहाँ नीचे रख देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नीचे का जो ये निशान जो है, ये सब आप इसको घसकाइएगा। ये इसमें कोई पैसा वाला है और कोई फ्री वाला है, तो हमको पैसा वाला यूज नहीं करना है, हमको फ्री वाला यूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत सारा है ना, इसमें आपको पैसा का निशान दिया है, उसको आप यूज नहीं कीजिएगा। जो फ्री वाला है ना, उसको यूज करिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, हाँ, ये फ्री वाला है, ये फ्री वाला है, ये फ्री वाला है, और ये सब है ना, ये सब पैसा वाला है, ये सब पैसा वाला है। तो आप ये शुरू में चल जाएगा, ये शुरू में के ये सब है ना, ये सब फ्री वाला है, ये सब को यूज कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर है ना, आप इसको यूज कीजिएगा, ये लेटर का यूज कीजिएगा, आपको कोई एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और आप जाइएगा यहाँ पर ऊपर जो टिक का निशान है, ये जो टिक का निशान है, यहाँ पर जाइएगा और टिक लगा दीजिएगा। लगाने के बाद आप जाइएगा और ये आप अपना गैलरी में सेव कर लीजिएगा। यदि दोस्तों आपका गैलरी में सेव होने में कोई प्रॉब्लम है तो ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वो वीडियो आप जा कर के देख लीजिएगा और उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।